खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गौ सेवकों ने राजनांदगांव पशु विभाग कार्यालय का घेराव किया। पशु चिकित्सकों के फील्ड में नहीं जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। दरअसल बीते दिनों चिकित्सकों के मौके पर नहीं पहुंचने की वजह से एक गाय और उसके नवजात बिछड़े की मौत हो गई थी। बजरंग दल के प्रांत गौ रक्षक प्रमुख प्रशांत दुबे ने कहा कि बीते दिनों गौ रक्षकों के बुलाने पर भी चिकित्सक मौके पर नहीं पहुंचे। पूरे मामले में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक अनूप चैटर्जी ने कहा कि संबंधित चिकित्सकों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गौ सेवकों के द्वारा पशुधन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारा विरोध ये है कि यहाँ के जो जिला पशु चिकित्सालय है वहाँ पे हमेशा अनियमितता पाई गई है। वहाँ पे डॉक्टरों की अनुपस्थिति, स्टाफ की कमी, हमेशा डॉक्टरों को फ़ोन किया जाता है तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी स्टाफ नहीं है, कभी फ़ोन नहीं उठाते, बोलते हैं कभी कि हमारा एरिया नहीं है, हम इस एरिए में नहीं जा सकते, हमारा समय ख़त्म हो गया है, हम अभी नहीं आ सकते, हम खाना खाने गए, इस प्रकार के अनेकों बहाना बनाए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा। और उनके द्वारा ऑफिस में चुपचाप बैठा जाता है, फील्ड पर जाते ही नहीं है स्टाफ, कोई स्टाफ नहीं है फील्ड में जाने के लिए। हमारे गौ सेवक जो है भरे धूप में, भरे बारिश में, भरे ठंड में गौ सेवा का काम करते हैं, उनके द्वारा बार बार फ़ोन किए जाने पर भी कोई भी मदद नहीं की जा रही है, इसका विरोध हमको है। अभी परसों एक घटना हुई जिसमें एक गाय की डिलीवरी हो रही थी, जिसमें हमारे गौ सेवकों के द्वारा वहाँ पर एक डॉक्टर रजनीश अग्रवाल हैं, उनको फ़ोन किया गया तो उनका ये कहना था कि ये मेरा एरिया नहीं आता और मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तो इनके द्वारा, हमारे गौ सेवकों के द्वारा कहा गया कि हम एक काम करते हैं, पशु चिकित्सालय ले आते हैं गौ माता को। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप मत लाइए यहाँ पे। सरासर हाथ उठा दिया गया, सरासर मतलब इग्नोर कर दिया गया। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा विरोध है, इसके चलते गौ माता और उसका बच्चा दोनों ख़त्म हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा नाराजगी है, बहुत ज़्यादा रोष है हमारे गौ सेवकों के अंदर में। और हम इनसे यही मांग करने के लिए आए थे कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, पहले तो स्थिति सुधार लें, जितने भी स्टाफ है वो अपना समय दें, फील्ड पे आए, डॉक्टर भी फील्ड पे आए, चुपचाप चेयर पे ना बैठे, क्योंकि डॉक्टरों का जो भाव होता है, सेवा का भाव होता है, चाहे वो मानव डॉक्टर हो या फिर पशु के डॉक्टर हो, उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपके अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए और आप सेवा के भाव से उतरना चाहिए उनको फील्ड में। जी जी, विश्व हिंदू परिषद वाले आए थे, ज्ञापन दिए हैं। एक्चुअली इनका ये लोग एक्चुअली गौ के सेवक होते हैं विश्व हिंदू परिषद, इनके साथ बताया सब कोई गौ सेवक हैं। इन लोग जो आपात कहीं पर कोई गौवंशी, भैंस वंशी पशु, कोई भी पशु, नॉट ओनली गौ, कोई भी पशु रास्ते में किसी कारणवश से कुछ दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो उनको ये लोग उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा में क्या होता है, क्योंकि पशु हैं तो पशु का उपचार के लिए पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास आए थे कि सर कि जो भी जिसके कार्यक्षेत्र में वो हादसा उस पशु के साथ होगा तो उस कार्यक्षेत्र के डॉक्टर को निर्देशित कर दीजिए कि हम लोग अगर उनके पास अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो हमको तत्काल उसके इलाज उपचार की सुविधा मिल जाए। तो उनको, उन लोगों ने बताया कि कुछ जो है हमारे चिकित्सक हैं उनको सही रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको निर्देशित करने के लिए मेरे पास उन लोगों ने आवेदन दिया है।